टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, मुंब्रा शहर में अगर सबसे ख़तरनाक चीज़ है तो दो चीज़ें मुंब्रा शहर में सबसे ख़तरनाक मानी जाती है। जो पहला है वो मुंब्रा बाईपास है, जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, और दूसरा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ यहां माना जाता है वो मुंब्रा का ये डैम है। खड़ी मशीन रोड स्थित ये डैम है जहां पर हम मौजूद हैं, और आपको दिखा दें कि यहां पर छोटे छोटे बच्चे इस डैम में नहा रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक इस डैम में मुंब्रा शहर के कई नौजवानों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल शासन प्रशासन द्वारा इस डैम में लोग ना नहाए, इसलिए यहाँ पर कांटे की तार से इसका घेराव किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो कटीली तार जो है तोड़ दिया गया। जो यहाँ पर नहाने के लिए लोग आते हैं, उन लोगों ने इस कटीली तार को तोड़ दिया, और इस डैम में इस बारिश में फिर यहाँ पर नहाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खड़ी मशीन डैम पर पहुँच रहे हैं। दरअसल यहाँ पर लोग घूमने के इरादे से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा का दरगाह है, और यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ आते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस ख़तरनाक डैम में नहाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अभी भी इस डैम में जो है काफ़ी बच्चे नहा रहे हैं। हालाँकि ये काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये डैम जो है बेहद ख़तरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दलदल युक्त ये ज़मीन है, जो कई बच्चे अब तक इसमें हादसे का शिकार हो चुके हैं। और इसी तरह से यहाँ पर, हालांकि पिछले साल इससे अगले साल में जो है यहाँ पर जब हादसे लगातार हो रहे थे, कई बच्चे यहाँ पर डूबने की खबर जब सामने आई, उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों ने यहाँ पर वॉचमैन जो है लगा दिया था, दो तीन वॉचमैन यहाँ पर किया गया था कि कोई भी इस डैम में नहाए ना, कटेली तार से घेराव किया गया था। लेकिन इस बार अब देखा जा रहा है कि मानसून शुरू है और बारिश भी लगातार हो रही है, और बड़ी संख्या में इस डैम में नहाने के लिए बच्चे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं है। जो कांटे की तार शासन प्रशासन द्वारा लगाया गया था वो भी टूटे हुए हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र शासन द्वारा यहाँ पर चेतावनी बोर्ड जरूर लगाया गया है, लेकिन हैरानी इस बात से होती है कि लोग जानते हैं कि ये डैम कितना ख़तरनाक है, इसमें मुंब्रा शहर के अब तक कितने लोगों की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें लोग नहाने के लिए आते हैं बड़ी संख्या में। हालांकि ये डैम जो बनाया गया था मुंब्रा शहर में पानी की समस्या दूर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन पानी की समस्या इस डैम से तो नहीं दूर हो पाई, लेकिन मुंब्रा शहर के अब तक कई नौजवानों की इस डैम ने जान ले ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो और भी जागरूक इस मुंब्रा शहर के लोग हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि मुंब्रा शहर में जिस जो खड़ी मशीन रोड पर डैम है, इस डैम पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहना चाहिए, और इस डैम में लोगों को नहाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे, आप तस्वीरों में तो देखें किस तरह से नहा रहे, लेकिन सवाल वही उठता है बार बार कि आखिर अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।